नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको उस्ताद अहमद हुसैन जी की एक बहुत ही प्यारी गज़ल सिखाने जा रहा हूँ। गज़ल का नाम है इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोग देख सकें मेरे नए नए अपलोडेड वीडियो सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, एक बात और बता दें आपको, जिन भाइयों को ऑनलाइन कीबोर्ड क्लास ज्वाइन करना हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो पर भी शो हो रहा है, तो वहाँ से मेरा नंबर लेके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, इस गज़ल का किसी को भाई को नोटेशन चाहिए हो तो ₹150 पे करना होगा और नोटेशन आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो चलिए गज़ल को शुरू करते हैं। गज़ल का स्केल है डी माइनर, जिसका कॉर्ड ये रहा। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले गिटार से डी माइनर कॉर्ड लिया गया है। देखिए कैसे प्ले करना है आपको। वन टू थ्री ऐसे प्लेइंग करनी है, ऐसे नहीं करनी है, ऐसे नहीं करनी है। इसके बाद मित्रों अलाप है, चलो अलाप को सीखते हैं। अलाप का पहला पार्ट देखिएगा। फिर दूसरा पार्ट, फिर अलाप का तीसरा पार्ट, फिर अलाप का चौथा पार्ट, फिर अलाप का पांचवा पार्ट, फिर अलाप का नेक्स्ट पार्ट, फिर इसके आगे अलाप देखिएगा। कैसे फिर नेक्स्ट पार्ट देखिएगा अलाप का, फिर आगे का पार्ट देखिएगा। फिर इसका लास्ट पार्ट देखिएगा। मित्रों इस गजल को सुनिएगा, फिर इसको लय में बजाइएगा आपको, क्योंकि लय में इसमें टच लगेगा, वो टच को ट्यूटोरियल में ऐसे बता पाना मुश्किल है। गाना सुनिएगा, स्वर मैंने बता दिए, लय बना के आलाप लगाइएगा। तो आलाप के बाद फिर प्रील्यूड स्टार्ट होता है। सबसे पहले सितार का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है आपको। ये काफी फास्ट प्ले हुआ है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। चलिए वन फिंगर से देखिएगा। सितार के बाद फ्लूट का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिए कैसे प्ले करना है। पहले टाइमिंग देखिएगा, बाद में स्लोली। फिर
फिर से देखिएगा। चलिए वन फिंगर्स देखिएगा, यहाँ पे कैसे प्ले करना है। इसके बाद फिर सितार का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, देखिएगा। वन फिंगर से देखिए, तीन बार प्ले करना है आपको। और चौथी बार रन आगे की ओर जाता है, कैसे प्ले करना है आपको। वन फिंगर से देखिए, तो मित्रों इतना था प्रील्यूड। तो चलिए स्थाई के बोल को सीखते हैं। लाइन है, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, देखिएगा कैसे प्ले होगा। फिर यही लाइन रिपीट होती है। फिर आगे लाइन आती है, और जब दोनों तरफ हो सजा देता है, देखिएगा पहले इतनी लाइन देखिए, और जब दोनों तरफ हो। फिर आगे लाइन है, तो सजा देता है। फिर आगे लाइन, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। तो मित्रों इतना था प्रील्यूड और स्थाई। तो अब चलिए फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। फर्स्ट इंटरल्यूड में सबसे पहले सितार का म्यूजिक पार्ट है, इसके बाद सारंगी है। तो पहले सितार का म्यूजिक पार्ट सीखते हैं। इसके बाद सारंगी आ जाता है, देखिएगा पार्ट बाई पार्ट सीखिएगा। पहला पार्ट देखिए सारंगी का, ये हो गया पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट देखिएगा, इसका तीसरा पार्ट देखिएगा, फिर इसका चौथा पार्ट देखिएगा,
फिर इसका लास्ट पार्ट देखिएगा कैसे प्ले करना है। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड, तो चलिए अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, अपने माथे पे ये बिंदिया की चमक रहने दो, देखिएगा इतनी लाइन। फिर यही लाइन रिपीट करनी है आपको। फिर आगे लाइन है, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है, देखिएगा ये लाइन। फिर यही लाइन रिपीट होती है, ये सितारा मुझे मंजिल का पता देता है। फिर आगे लाइन है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, देखिएगा। फिर आगे लाइन है, इसके घर एक तरफ हो तो सजा देता है। तो मित्रों इतना था फर्स्ट इंटरल्यूड और अंतरा के बोल, तो अब चलिए सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। सेकेंड इंटरल्यूड में सबसे पहले सितार का म्यूजिक पार्ट है, देखिएगा कैसे प्ले करना है। वही पहले जैसा है। फिर इसके बाद हारमोनियम का म्यूजिक पार्ट है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा सीखिएगा, काफी लंबा म्यूजिक पार्ट है हारमोनियम का। तो चलिए हारमोनियम का म्यूजिक पार्ट स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, देखिएगा पहला पार्ट कैसे प्ले करना है। इसके आगे का पार्ट देखिएगा, फिर इसके आगे का पार्ट, फिर इसके आगे का पार्ट देखिएगा, फिर मित्रों इसके आगे का पार्ट देखिए कैसे प्ले करना है आपको। फिर इसके आगे का पार्ट, फिर इसके आगे का पार्ट,
फिर इसका लास्ट पार्ट देखिए कैसे प्ले करना है आपको। टाइमिंग में देखिए, तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड। गजल को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और हारमोनियम का म्यूजिक पार्ट टाइमिंग में प्ले करिएगा। तो चलिए अब अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। आइन है, ऐ नमक बास तेरी शामली सूरत की कसम। देखिएगा ये लाइन कैसे प्ले करना है। देखिए, ऐ नमक बास तेरी, फिर आगे शामली सूरत की कसम, फिर ऐ नमक वास, इसके बाद अलाप है, देखिएगा ऐ नमक वास, अलाप देखिएगा, मैं स्लोली बता रहा हूं, आप गजल को सुन के टाइमिंग में अलाप प्ले करिएगा। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट देखिएगा, इसका अगला पार्ट देखिएगा, फिर इसके बाद लाइन आती है, अय नमक वास तेरी शामली सूरत की कसम, फिर आगे लाइन है, दिल का हर जख्म तो जैसे दिल से दुआ देता है, यही लाइन फिर से रिपीट होती है, फिर आगे लाइन है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है, देखिएगा, और जब देखिए दोनों तरफ हो, तो मजा देता है, फिर आगे लाइन है, इश्क घर एक तरफ हो तो सजा देता है, तो मित्रों इतना था सेकेंड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल। तो चलिए थर्ड इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। मित्रों आपको एक बात बता दें, इस गजल का फर्स्ट इंटरल्यूड और थर्ड इंटरल्यूड सेम है, जिसको कि मैं बता चुका हूँ, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अंतरा के बोल को सीख लेते हैं। लाइन है, तू मुझे प्यार से देखे, पहले इतना देखिएगा, या ना देखे जालिम, फिर से यही लाइन रिपीट होती है, तू मुझे प्यार से देखे या
ना देखे जालिम, देखिएगा। फिर आगे लाइन है, तेरा अंदाज मोहब्बत का पता देता है। यही लाइन फिर से रिपीट होती है। फिर आगे लाइन है, और जब दोनों तरफ हो। तो मजा देता है। फिर आगे लाइन है, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। तो मित्रों इतना था सेकेंड अंतरा के बोल। तो अब चलिए फोर्थ इंटरल्यूड और अंतरा के बोल को सीखते हैं। मित्रों को इस गज़ल में सेकेंड इंटरल्यूड और फोर्थ इंटरल्यूड सेम है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए फोर्थ अंतरा के बोल को सीखते हैं। लाइन है, मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत, देखिएगा। फिर यही लाइन रिपीट होती है, मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूं हसरत। फिर आगे लाइन है, मेरा साथी मुझे आंखों से पिला देता है। फिर आगे लाइन है, और जब दोनों तरफ हो। तो मजा देता है। फिर आगे लाइन है, इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। तो मित्रों इतनी थी ये गजल। गजल के लास्ट में सितार का म्यूजिक पार्ट आ जाता है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, एक बार और देखिएगा। वन फिंगर से देखिए, मित्रों ये गजल बहुत ही कठिन है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको इसको कंप्लीट करने में, काफ़ी समय लगेगा। गजल को पहले बारीकी से सुने, फिर उसके लय में प्ले करें। तो ये गजल कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए यही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।